दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां उत्तराखंड के प्रवेश द्वार पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद वह शतचंडी महायज्ञ में शामिल भी हुए, जिसके बाद उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उत्तराखंड की जनता के सामने वह सरकार है जिसमें कई मुख्यमंत्री बदले गए पर प्रदेश की जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए। साथ ही मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। वहीं बागी विधायकों को पार्टी में शामिल करने की बात पर उन्होंने कहा कि उनका कोई भी ऐसा विचार नहीं है, जिससे साफ पता चलता है कि चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी बहुत सोच समझ कर कदम उठा रही है। रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट। मैं आज आप सब पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि मेरे सवाल को जनता तक पहुंचाएं, ताकि जनता अपने दिल से इसका जवाब दे सके कि क्या कर्नल कोटियाल जी जैसा व्यक्ति उत्तराखंड का भावी मुख्यमंत्री होना चाहिए। यही सवाल रखने में आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया था, मैंने थोड़े से लोगों से पूछा था, जवाब बहुत पॉजिटिव था। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके माध्यम से अगर ये सवाल जनता तक पहुंचेगा तो जनता के बीच से जवाब भी आएगा, और जनता के बीच से जवाब तो हमें पड़ा है। पूरा भरोसा है कि जनता भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने वाले की जगह एक ईमानदार